हैक ने जुआड़ियों सटोरियों को ही संरक्षण दिया और उनका चुनाव तो जुआड़ी और सटोरी चला रहे। और ध्रुव भैया पहला चुनाव यहाँ से लड़े, उन्होंने विकास की इस विधानसभा में गंगा बहाई, पर 18 में जो विकास कार्य होने थे वो कहीं ना कहीं ना होने की वजह से या और भी बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से 18 में हमारी पार्टी इस चुनाव को लूज की। 5 साल हो गए कांग्रेस के विधायक ने भी जनता के बीच में कोई काम नहीं। हमारे इस विधानसभा के बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए। हम सब ने डिमांड की थी और पार्टी ने हम सब की बात को, जनता की बात को सर्वे के आधार पर ध्रुव नारायण सिंह जी को 3 महीने पहले टिकट दिया। वो फील्ड में लगातार सक्रिय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। भोपाल मध्य विधानसभा सीट नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर पिछले चुनावों में 2 बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। इस सीट को लेकर हर चुनाव में एक रोमांचक और मुद्दों से भरपूर मुकाबला देखने को मिला है। इस सीट पर इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। भाजपा ने इस सीट के लिए ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ध्रुव नारायण सिंह विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच अपने सर्वाधिक प्रशंसित और प्रियतम उम्मीदवार माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट के लिए आरिफ मसूद को प्रत्याशी घोषित किया है। आरिफ मसूद एक जाने माने विधायक हैं और यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की और इसके पहले वे समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। 2 साल बाद कांग्रेस में लौटे और फिर 2018 में बीजेपी के सुरेंद्रनाथ सिंह को चुनाव हराया। भोपाल मध्य विधानसभा सीट के लिए आगामी दिनों में क्या हो सकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनावी महाबलादाई ध्रुव नारायण सिंह के चुनाव को लेकर भाजपा महाराणा प्रताप मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने सीट से चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जनता और कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, 2018 में भी थी और 2018 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार गई तो और डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये जो मूल सीट है 2008 में बनी और ध्रुव भैया पहला चुनाव यहाँ से लड़े, उन्होंने विकास की इस विधानसभा में गंगा बहाई और इस बात को जनता और कार्यकर्ता ने स्वीकार किया। किन्हीं कारणों से 2013 में उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से जीती, पर 18 में जो विकास कार्य होने थे वो कहीं ना कहीं ना होने की वजह से या और भी बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से 18 में हमारी पार्टी इस चुनाव को लूज की। अब मेरा ये कहना है कि हम 5 साल हो गए कांग्रेस के विधायक ने भी जनता के बीच में कोई काम नहीं किया। भोपाल शहर की आप हुजूर विधानसभा देख लीजिए, नरेला विधानसभा देख लीजिए, गोविंदपुरा विधानसभा देख लीजिए और मध्य विधानसभा देख लीजिए। वर्तमान परिस्थिति में मध्य विधानसभा शहर का बहुत बड़ा अंग है, लेकिन विधायक की निष्क्रियता, फिरका परस्ती, बयानबाजी की वजह से आज ये विधानसभा विकास से बहुत पीछे हो गए। हमारे इस विधानसभा के बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए। अतिक्रमण लगातार पुराने शहर पर है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। विधायक ने जुआड़ियों सटोरियों को ही संरक्षण दिया और उनका चुनाव तो जुआड़ी और सटोरी चला रहे। हम सब ने डिमांड की थी और पार्टी ने हम सब की बात को, जनता की बात को सर्वे के आधार पर ध्रुव नारायण सिंह जी को 3 महीने पहले टिकट दिया। वो फील्ड में लगातार सक्रिय है। सभी लोगों से समर्थन जो है आपको जनता के बीच में जाने से मिल रहा है, कहाँ आपको विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है? देखिए, विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये जनता का टिकट था। इतना उत्साह 2008 का चुनाव भी हमने देखा, 2013 का चुनाव भी देखा, 2018 का चुनाव भी देखा और 2023 के चुनाव में हम हैं। जितना उत्साह जनता और कार्यकर्ताओं का ध्रुव भैया को टिकट मिलने की वजह से है, जितना जन समर्थन मिल रहा है शायद ही पहले कहीं मिला था। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, निरंतर कई आरोप ध्रुव नारायण सिंह जी पे भी लगे और आप लोग भी आरिफ मसूद जी के जो वर्तमान विधायक उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो आरोप लगाए जाते हैं वास्तविकता में होते हैं, एक नैरेटिव बनाने की सोच होती है पार्टी? देखिए, आरोप आप खुद ही कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। आरोप होना और प्रत्यक्ष प्रमाण होने में अंतर होता है। आरोप राजनीतिक जीवन में जब हम काम करते हैं, जो कुछ काम करेगा उसके ऊपर ही आरोप लगेंगे, पर उसके लिए हमारे देश की एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां हैं और उसको क्लियर करती हैं कि इसमें सत्यता कितनी थी। एक बात, दूसरी बात, आपने बात की आरिफ मसूद की। आरिफ मसूद के ऊपर FIR रजिस्टर्ड हैं, हिस्ट्री सीटर है वो,
और अभी जिला एनएसए की कार्रवाई होने वाली थी जब इन्होंने इकबाल मैदान में कार्यक्रम किया था, बहुत दिनों तक फरार थे। तो हमारे विधायक प्रत्याशी पे सिंगल एक मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा। भाई जो अपराधी होता है उसका खिलाफ़ पुलिस थाने में रिकॉर्ड होता है, हमारे नेताजी के खिलाफ कोई भी किसी भी थाने में आज दिनांक तक कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जो विकास नहीं हुए हैं, ऐसे में जनता ने किन किन विकास की आपसे मांग की है और जिसको आपके प्रत्याशी अगर जीतते हैं वो करें? देखिए, पहले तो दो तरीके का हमारा ये विधानसभा का स्वरूप है, एक है नया भोपाल, एक है पुराना भोपाल। नए भोपाल में रोड की प्रॉब्लम, अतिक्रमण की प्रॉब्लम और पानी की टंकी की प्रॉब्लम, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे विधायक ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई मेहनत नहीं की, किसी भी ग्राउंड को ठीक नहीं किया, खेल मैदान ठीक नहीं किए, पुराने शहर में अतिक्रमण को लेकर के प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जी, दो बार तीन बार ये भाजपा के पास सीट रही मध्य विधानसभा और वर्तमान में कांग्रेस के पास है, क्या वजह मानते हैं कि जो इसके पहले के जो विधायक थे वो क्यों हार गए? क्या काम उन्होंने भी नहीं किए थे इसलिए वो हार गए, या फिर ये एक पार्टी की एक जो विचार के खिलाफ में जो थे लोग खड़े हो गए थे? मैं आपको एक बात बता दूँ और बहुत स्पष्टता से बोल रहा हूँ, आज का कार्यकर्ता और जनता बहुत जागरूक है। यहाँ पर ध्रुव भैया 10 साल पहले विधायक थे, तो आज भी जनता उनको उनके नाम से नहीं जानती, उनके काम से जानती है और उनके काम को आज भी याद करती है। जब वो जनसंपर्क करते हैं तो उनको ये मौखिक याद है कि यहाँ पे मैंने ये किया था, यहाँ पे ये नहीं किया था, जो काम उन्होंने किए थे 10 साल पहले वो काम आज भी मौजूद हैं, वो वहाँ पे पब्लिक को बताते और पब्लिक कहती भैया ये काम आपने कराया था। कुछ काम तो उनको भूल जाते हैं, पब्लिक याद दिलाती थी भैया आपने ये कराया था। नो डाउट काम में कहीं कमी थी, तब हम 18 में हारे थे। पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या ऐसे काम बाकी रह गए हैं जो प्राथमिकता से? देखिए, इस विधानसभा में मेट्रो भी आ गई है, बड़े ड्राइवर भी आ गया है सरकार। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार जो काम करती है, जैसे पार्षद का अपना काम है, विधायक का अपना काम है, सांसद का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। सरकार ने इस विधानसभा में शायद पूरे इंडिया में रानी कमलापति स्टेशन बनाया, प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर उसका उद्घाटन करने आए, लोकार्पण करने आए, मेट्रो का उद्घाटन हुआ, अभी ये ब्रिज बन रहा है जो पैरेलल ट्रैफिक को क्लियर करने की, ये सरकार के काम है, जो बड़े काम है। 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, सुल्तानिया हॉस्पिटल, तो ये सरकार जो सरकार बड़े लेवल पे करती है, हर विधानसभा में कुछ ना कुछ करती है, सरकार ने ये बड़े काम किए। लेकिन जो विधायक का काम है, जिसके लिए विधायक निधि होती है, उस निधि को एक ही ठेकेदार को 5 साल में विधायक जी ने 10 करोड़ रुपए का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले साल नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर निगम चुनाव में महापौर जी ने जितना बजट एक साल के अंदर हमारी इस विधानसभा को दिया पार्षदों के माध्यम से, विधायक जी ने 5 साल में उतना काम नहीं किया। मतलब उनका जो बुक छपा के रखते हैं कि हमने ये बुक छपा है, 2 लाख रुपए का पेविंग ब्लॉक लगा, 1-2 हज़ार का बोर्ड लगा दिया और उसकी बुक छपाते हैं। ये तो इनके किए गए काम हमारे